तो जय श्री राम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे और मैं मस्त हूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैंने आपको 10 दिन पहले एक वीडियो डाली थी दिपक्रिया करके, जो आपको सतपुली तक दिखाई थी, क्योंकि गाइस कुछ ऐसी घटना हो गई थी मेरे साथ कि मतलब क्या ही बताऊँ मैं। बाकी वो सब चीज़ें आप भूल जाओ और फिलहाल आप ये देखो कि आपको सतपुली से आगे दिपक्रिया का आज टूर कराऊँगा। और इस वीडियो के माध्यम से अभी आप देखेंगे थोड़ी देर बाद वो वाली क्लिप है, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखना और लाइक करना ना भूलना भाई। सब आप लाइक नहीं करते, ना शेयर करते हैं और ना कमेंट, तो आपकी तरफ से चुकापट क्या चुकापट हो रखा है। तो गाइज आप कमेंट भी करें और सब्सक्राइब करें आप अगर मेरे चैनल पर नए हो। बाकी अभी आपको आगे वाली क्लिप दिखाता हूँ जहाँ पर हम सतपुली से देवप्रयाग की ओर गए, और इस ट्रिप को पूरा देखना और मज़े करना। फिर उसके बाद कल अगली वीडियो भी आएगी। बाकी आपको आगे बताऊंगा कि मेरे साथ पिछले 10 दिनों में क्या क्या हुआ था, आगे आगे ब्लॉगों में बताता रहूंगा, ठीक है? तो अभी आप आगे वाली क्लिप देखें। वो भाई तीनों बंदे निकल चुके हैं हमने अपनी गाड़ी की, और हम भी चलेंगे भी। अरे देखो भाई दौड़ा है भाई, ये भी जा रही है एक्सपेंसर। बाकी अब हम भी निकलते हैं, चले फिर बंदी भाई। उदास हो रखा है यार ये बंदा। बाकी देखो, चलो भाई आजी। और अब हम भी निकलते हैं सतपुली से, चलो भाई सिस्टम पाड़ देंगे। भाई सेट दिखता है आगे से, आगे से आपको सतपुली दिखाऊंगा मैं। भाई सतपुली देखो यहाँ से कितना सेट दिख रहा। अभी हम उस वाली साइड रहते ना, उस साइड से और भी तगड़ा दिखता है भाई सतपुली। पर अभी हम इस साइड में, क्या पता कल तो वैसे हम पौड़ी जाएंगे, कल तो पौड़ी की ट्रिप है तो उसे भी देखना आप। और बाकी यहाँ से सतपुली देखो भाई सब कितना ही सेट लग रहा। ये लौंडे फुल मौज है भाई, एयरफोन डाल लिए कान में और बाकी बहुत सब सतपुली आए हाय मजे। तो भाई हमारी गाड़ी चेंज हो चुकी है, अब हम जाएंगे एक्सपल्सर में भाई के साथ। गाड़ी चेंज हो चुकी है और ये कंफर्टेबल सीट है भाई, हॉर्न था ये तो मैं मर गया था। चलो ये कंफर्टेबल है। तो हेलो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग के जस्ट नज़दीक। यहाँ से देवप्रयाग होगा आपका 7 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो रेलवे का जो टनल है उसकी सुरंग जो यहाँ से खुद रही है, यहाँ पे पल्ले साइड है। अभी तो नाइट हो गया है, रात की वजह से थोड़ा दिख नहीं पाएगा, कल सुबह मॉर्निंग में आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो यहाँ से जो हमारा रेलवे का जो काम चल रहा है उस चीज़ का यहाँ पे टनल है, और एक दूसरा टनल आगे भी है वो इससे भी बड़ा है, हम आपको वीडियो के थ्रू दिखाएंगे। तो भाई साहब मतलब आप लगाओ कि ऐसा सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, टनल बन रही है रेलवे की, केदारनाथ बद्रीनाथ वाली। और यहाँ पे हमारे एक सैनिक साहब भी हैं यहाँ पे, मतलब तैनात हैं। अगर कुछ भी ऊपर काम चल रहा है वो बता रहे हैं कि अभी आप नहीं जा सकते, अभी कुछ समय बाद जाएंगे। और नीचे आप आवाज़ सुन रहे होंगे गंगा मैया की, गंगा मैया है नीचे भाई साहब, बहुत ही अद्भुत जगह मैं कह सकता हूँ इसे। देखो भाई साहब टाइम लगेगा अभी ज़्यादा। तो फाइनली यहाँ पे खुल चुका है और अब हम यहाँ से जाएंगे। चलो भाई चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग यहाँ पे हम 10 मिनट तक रहे, फिर उसके बाद अभी जाके उन्होंने कॉल किया और अब जाके यहाँ पे जाने का मौका मिला हमें। अन्ना कह रहे हैं कि नहीं ऊपर खुदान हो रही है, तो इस कारण से ऊपर से पत्थर उतर गिर सकते हैं। बाकी अभी देखो भाई साहब धूल, देखो भाई धूल पूरे को ऊपर काम चल रहा है भाई, बहुत तगड़ा वाला। भाई संगम तो दिख रहा है पर सुबह ही मॉर्निंग में दिखेगा जितना अच्छा दिखेगा। तो गाइस अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे देवप्रयाग और
बाकी अभी तो मतलब इतना ढंग से नहीं दिख रहा होगा आपको, कल अगले वाले व्लॉग में पक्का मैं देवप्रयाग दिखाऊंगा, देवप्रयाग का संगम दिखाऊंगा। तो तब तक आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाय हाय नीचे देखो भाई साहब संगम, बाकी अभी क्लियर तो दिख नहीं रहा है आपको, कल तो पक्का दिखाऊंगा, कल वाले व्लॉग में आप बने रहे मेरे साथ। तो कैसा लगा भाई देवप्रयाग देख के, मजा आ गया? तो गाइस मैं रात को पहुंच जाता, तो रात को मैं आपको ढंग से दिखा नहीं पाया कि देवप्रयाग कैसे दिखता है, और कल वाली वीडियो में पक्का दिखाऊंगा, क्योंकि उस दिन मैं देवप्रयाग में रुक गया था। हालांकि मेरी ये वीडियो 10 दिन बाद आ रही है, क्योंकि 10 दिन में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि आपको अगली वाली वीडियो में पता चलते जाएगा जैसे जैसे मैं ब्लॉग डालते रहूँगा। तो बाकी आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, और कल वाली वीडियो में आपको पक्का मैं देवप्रयाग दिखाऊंगा, और देवप्रयाग आप देखना मत भूलना, मेरी बहुत अच्छी ट्रिप है देवप्रयाग की, और वहाँ से हम पौड़ी भी जा रहे थे। तो इस वीडियो में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बाकी आप आगे आगे वीडियो में देखते रहना क्या क्या होता है हमारे साथ। बाकी कल वाले थंबनेल में तो आपको पता चल जाएगा मेरे साथ बहुत गंदा सीन हुआ था। बाकी इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, और लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को भेजना मत भूलना। और जो सब्सक्राइब वाला बटन होता है ना, वो लाल वाला आपको दिख रहा होगा नीचे, ऐसा उससे चप्पल फेंक के मारो, चाहे अपना बेस्ट फ्रेंड फेंक के मारो, कुछ लगा कुछ भी करके मेरे को सब्सक्राइब दिख जाना चाहिए, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। आज फाड़ दो बस, बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़ा दो आज। बाकी मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, अगले कंटेंट के साथ, देवप्रयाग में ही दोबारा।